योजना भी आई थी का कछु उनके पैसे आई थी हाँ। का परमट में लोग आई बटने परमट में लोग आई बटने बाई जो दुनिया के लड़ुआ वहाँ पहुंचे को गए एक तो छिटकी नहीं मिली आए बताओ भैया मैंने ना देखुआ कि कहाँ है लोग आई अब कहाँ मेला लगा थे उनको मैंने देखो सुनत रहे हैं तो हम की वोट दे रहे विधायक हमारे सब दारू खो रहे विधायक दारू खो रहे आप दारू खो रहे राजा आए थे बोले हम तुम्हें गड़वा देंगे एक साल हो गए कोई सुनो नहीं आए एक साल के पहले आए थे कि जो साला कत्ल करता है उसका चर्चा नहीं होती है जौन मिल गया पकड़े सोख कहते थे या करी कत्ल यह चल रहा है यहाँ पे अच्छा कोई कानून कोई कानून नहीं है यहाँ का ठेकेदार है दारू को देखो हमारे काल लड़के बंद कर दो दारू कहूँ की आई और हमारे लड़का कहते चार जने के सामने पकड़ के बाल्टी लेके जा रहे हो तो पोतत की अंदर बंद कर दो कोई सुनाई नहीं है बहनन भरी का मेला तो बहनें देती हैं वोट बरो लगा इतनी साल से महिलान के ऊपर अत्याचार कराता है पुरुष अब महिला आगे आ रही तो तुम्हें काय बरो लगा मारती है अब तो अब तो मारती पहले तो आप घर के अंदर बंद कहे रहे भाई अब नौकरी कर रही पढ़ रही तो काय बरो लगा सरकार ने तो बढ़ावा दे दो बहनन का कि अब वे इंदिरा गांधी थी जब है कि आज ये हैं बहने आदमी हर घर में इंदिरा हो गई कर अरे हर घर में हो गई ठठ जी बात है बारह ऐसी फिर सरसो कछु नहीं करता तो साहब ऐसी दशा है सबकी सो हाजू काने हैं बस और नहीं है नमस्कार स्वागत है जनता का राज में मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ लौकुश नगर में जो राजनगर विधानसभा है एमपी में चुनाव की गहमा गहमी है और 17 तारीख को आगामी नवंबर में चुनाव है तो जनता के बीच क्या मुद्दे हैं किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करने वाली है किसका माहौल है लोगों से जानते हैं और सुबह का वक्त है लोग चाय की दुकान में चाय पीने आए हैं तो हम भी चाय पीने आए थे और लोगों से जानते हैं भैया आ जाओ आपकी भी समस्या सुन लेंगे आओ पीछे आओ आप क्या नाम है आपका नरेंद्र वर्मा सर नरेंद्र वर्मा कहाँ से हो नरेंद्र लौकुश नगर वार्ड नंबर 7 लौकुश नगर से तो नरेंद्र करते क्या हो जैसे आपके हाथ में किताब दिख रही है पढ़ाई करते हो क्या नहीं दिहाड़ी करते हैं मजदूरी करते हो जी तो किताब कैसे लिए स्टूडेंट कैसे लग रहे नहीं बोल सौदा लेने आए थे नरेंद्र क्या चल रहा है अपने लौकुश नगर में बढ़िया माहौल चल रहा है सर किसका माहौल चल रहा है बीएसपी का चल रहा है बीएसपी का चल रहा है इस बार जो 3 बार के विधायक हैं नाती राजा वो इस बार नहीं कुछ कहे हैं उनका माहौल है पता नहीं सर तो दोनों क्या नाम है हमारा भैया नाथुराम नाम नाथुराम दादा का चल रहा सुबह का चाय की दुकान पर चर्चा हो भैया मैं चाय पीता हूँ अब मैं नेतागिरी को ये नहीं जानता कि बीएससी कौन का आउ थी कौन को का आउ थी वोट डाल जाने सो डाल देने चाची की हुआ बस इतना तो जाना तो मैं मुझे नहीं है पता अब आपकी तो इतनी उम्र हो गई है ऐसी है कि ई लेन में आज के 36 साल हो गए कहीं कोई ना दो खम्मा नहीं गड़वाया सो भैया पाँ पर के वोट डाल जाने ये लेन गई है हल उन्हें कोई नहीं डरवा हुआ तक एक खम्मा नहीं गड़वा तो हम की वोट दे रहे विधायक हमारे सब दारू खो रहे विधायक दारू खो रहे आप दारू खो रहे कौन नहीं है दारू खो रहे अच्छा हाँ ये पार्षद है सब दारू खो रहे नाती राजा आए थे बोले हम तुम्हें गड़वा देंगे एक साल हो गए कौन सुनो नहीं आए एक साल के पहले आए थे नहीं सुनूंगा कौन है और हवा चली तो 1000 की डोरी लग जाती है हमारी टूट जाती है टूट गई अंधेरे में पाए समस्या लाइट की समस्या लाइट की तो बहुत बुरी है और का समस्या है दादा और समस्या तो कुछ नहीं है जैसी मजूरी कथन प्रत्याशी जैसे इस बार टक्कर की मैं दादा जान बुझा है टक्कर की कुछ नहीं है गाड़ी हमारी सनन नहीं चलता सो गाड़ी चलाऊ था सो गाड़ी नहीं चलत हमारी सनन कोई नहीं पूछा था अब तो मजूरी का सोचा था कि कोई मजूरी लग जाए तो कर भी अब बच्चा तो पाल नहीं है अब बस और नहीं है कछू और तो सब सही है समय अब तुम पूछो कि बीएससी कौन आ सापा कौन आ जो हमें पता नहीं रहा नेतागिरी को कौन को कहा वो हाथी खोसे सुझा
जो बैठा था सोने के तो भैया फलाने में डाल सो डाल आए बस। तो का छतरपुर आई मायावती एक भी बार नहीं आई अभी? मायावती कब नया है का ऐसे किए तो जानते ही नहीं हम मायावती को। को नहीं जाना, वो नहीं जाना था। उत्तर प्रदेश की तो मुख्यमंत्री रही, वो तो मुख्यमंत्री वा बैठे हैं। शिवराज जी कैसे मुख्यमंत्री इतने साल से हैं? शिवराज जी ऐसे हैं, देखो उसके सब भांजा हैं। अच्छा, जितनी जनता सब भांजा हैं, हैं? और बे तो मामा है भांजा देगा जनता? बिल्कुल देते हैं, 400 को सिलेंडर देते हैं, 450 को बहनन का दो। अब बहनन का दे के और जो नोते जाते भराऊं से वो तो पूरे लेते हैं 1100 आराम से लेते हैं। और इतने मची है ऐसी कि जो साला कत्ल करता है उसका चर्चा नहीं होती है, जौन मिल गया पकड़े सोख के देते हैं करी कत्ल, यह चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, कोई कानून? कोई कानून नहीं है। यहाँ का ठेकेदार है दारू को, देखो हमारे काल लड़के बंद कर दो, दारू कहूँ की आई। और हमारे लड़का कहते चार जने के सामने पकड़ के बाल्टी लेके जा रहे हो तो पोतत की अंदर बंद कर दो, कोई सुनाई नहीं है। और ठेकेदार है तो वो TI से मैंने कहा तो TI कहते नहीं वो लड़का जेल चला गया, उसने कहा है कि हाँ उसने दिया। और लड़का से कल पूछा तो वो लड़का कहता था मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन सुरेश है कौन क्या है, उसको पता नहीं है। इसने पैसे से ठेकेदार ने खरीद लिया और यहाँ कोई नेता सुनने वाला नहीं, ना कोई सुनता है। देखो एक बात बना, बड़ी समस्या है दादा की। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम कहाँ से है? मोहम्मद इस्लाम लोकसनगर। लोकसनगर से कंठी मोहल्ला। चर्चाएं होती हैं चाय की दुकान पे, चुनाव की है चर्चा की? अभी भी सन्नाटा है? अभी भी सन्नाटा है, 10 तारीख के बाद होगा। 10 तारीख के बाद? 10 तारीख के बाद गर्मा गर्मी होगी, त्योहार तभी त्योहार भी पड़ जाएगा। तो क्या लग रहा है इस बार है? बनेगी किसकी सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सरकार अभी त्रिकोणी पड़ रही है, ये इसमें अभी किसी त्रिकोणी है ये त्रिकोणी। हाँ, मतलब इसमें किसी का अनुभव अभी नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, अनुभव नहीं लगाया जा सकता? नहीं, अभी नहीं लगाया जा सकता। तो अनुभव आपकी विधानसभा राजनगर का लग जाए, को विधायक बने फिर से नाती राजा बने या कोई और फाइट करेगा? भाई नाती राजा और BSP में है फाइट। BSP से घासीराम पटेल? घासीराम पटेल। हाथी और नाती? हाथी और नाती। हाथी और नाती। हाथी और नाती में लड़ाई है? तो का है उधर ऊपर उधर का देख रहे ऊपर कमलनाथ है कि कमल निशान है? अभी तो ये कह नहीं सकते। कमलनाथ या कमल निशान? कमलनाथ भी आ सकते हैं। हाँ, या फिर कमल आ सकता है? कमल भी कमल में फाइट नहीं है हमारे यहाँ, चर्चा बहुत कम है। मुद्दे कहाँ है जनता की? बार मुद्दे नया चेहरा देखना चाहती है। नया चेहरा देखना? नया चेहरा। कौन है नया फ्रेश चेहरा? अब नया फ्रेश चेहरा अभी नहीं बता। घासीराम पटेल जी नए चेहरा है क्या? पहले भी तो रहे शायद? नहीं नहीं, घासीराम नहीं बने हैं, विधायक नहीं बने। नहीं बने, कोशिश करते रहे, चुनाव तो लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, चुनाव लड़ते रहे भी। और BJP से उन्हें टिकट भी नहीं मिला है इसलिए वो नाराज है अभी। UP के मुसलमान तो आप देखते हैं कि कहते हैं कि BJP सरकार UP में योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगातार कहते हैं कि मुसलमानों के लिए काम, यहाँ शिवराज मम्मा कैसा काम करते हैं मुसलमानों के लिए? शिवराज मम्मा ने काम तो किया है मुसलमानों के लिए, खासतौर पूछ रहे क्योंकि आप मोमिन हैं तो आप थोड़ा सा देखें। यूपी में तो बहुत इल्ज़ाम लगते हैं क्योंकि मैं यूपी से आया हूँ तो वहाँ की राजनीति थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सबके लिए बराबर किया है उसने, ना मुसलमान और हिंदू इसमें कोई वो नहीं है, बराबर वो सब बराबर है, बराबर है। जो न्यूज उन लोगों ने मुसलमानों को दिए वही हिंदू को दिए दिए हैं। हाँ, तो लाडली बहना योजना चल रही है, महिलाओं को आ रहे हैं पैसे? बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ भाई, लो हम लोगों से तो ज़्यादा महिलाओं खा है इस चीज़ में, से ज़्यादा महिलाओं को बरेता दिए हैं सरकार। बिल्कुल दिए। का कह रहे दादा? क्या कह रहे, कुत्ता को जब कोरियर डाली जाती है तो पूछ ला के दौरे में पहुँचता है। मतलब जो उदाहरण कैसे दे रहे हैं आप, रोज रोज कोरियर की डारी? अब यह कहा बहनन का जैसे उनने दई हाँ तो खास वही की वोट दे जी ने दे वही की दे वोट। तो का है वही पैसा ना बेच गई के बहने? अब का है पैसा में तो बेकैया जात, पैसा में पूरा था ना बेगो तो बहने कौन गिनती है? बहन भी कौन गिनती है? तो पैसा हो तुम्हारे पास तो लोग आई खरीद ले भाई ठाणे ठाणे क्या जी की हो नहीं वो चत नहीं। एक बात आप बताई, और पैसा में बेक जात है जो बात कह रहे फिर नहीं
योजनाएं तो सबको दे दे। कांग्रेस भी कह रही है कि हम सिलेंडर सस्तो करें, हम भी पैसा दें तो फ्री में, वहाँ जनता के देना तो सरकार बुरी हो, दे तो कहे फ्री में दे रही, क्या करे सरकार? वो दे रही है सरकार, जरूर दे रही है, पर लेकिन ये पैसा जो हम ले जाते हैं तो हमें तो पूरे लगते हैं। देखो एक बात बता, हम आओ नहीं को देता है ना को करता है, बहनन भरी का मिला था तो बहनें देती हैं वोट। हाँ, पड़ोस का ऐसे ही फिर रहे? पड़ोस तो चूतिया फिर रहे, मैं बताऊँ बहनन की नहीं है, बहनन का तो बहनन की सुनाई है, पड़ोस की कोई सुनाई नहीं है। बताओ तुम्हें तो का आपको बुरा लगा, इतनी साल से महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है पुरुष, अब महिला आगे आ रही थी तो मैं काय बुरा लगा? मारती हैं अब तो, अब तो मारती है। पहले तो आप घर के अंदर बंद कहे रहे के, हाँ, भाई सरकार, नौकरी कर रही पढ़ रही तो काय बुरा लगा? सरकार ने तो बढ़ावा दे दो बहनन का। हाँ, कि अब वे इंदिरा गांधी थी जब है कि आज ये हैं बहने। हाँ, जो बराबर हैं आदमी, हर घर में इंदिरा हो गई। अरे हर घर में हो गई, ठठ जी बात है, बारह गो वैसी फिर मुँह सर सो कछु नहीं करता, तो साहब ऐसी दशा है सबकी, सो हाजू हाजू काने हैं, बस और नहीं है। लड़का योजना भी आई थी का कछु उनके पैसे आई थी? हाँ। काते परमट में लुगाई बटने कहा कि परमट में लुगाई बटने बाई जो दुनिया के लड़ुआ वहाँ पहुँचे को गए, एक तो छिटकी नहीं मिली आए बताओ हकीकत है कि मजाक में कह रहे भैया? मैंने ना देखुआ कि कहाँ है लोग आई, अब कहाँ मेला लगा थे उनको, मैंने देखो सुनत रहे हैं ना। तो लड़ुआ कहते भाई जो छटका नहीं मिले होता तो कहू के देखेगा कहते परमर में मिलने का। तीन दिन से की बात कर रहे हैं, नाथू राम दादा है लोकस नगर से, तो इस्लाम भैया आप बता देना, हम आपसे बात नहीं की है। हम तो गणेशी है। आप गणेशी करीब आओ, और हम क्या करें, आप करीब आओ, फिर गणेशी का है माहौल इस बार लोकस नगर में? बढ़िया है सर, माहौल चल रहा है। नहीं तो आ रहे घरे वोट मंगाऊ नहीं? हाँ आ रहे, कल आए थे हमारे पास। कौन सा प्रत्याशी आए? नाती राजा जी आए थे हमारे। काल आओ नहीं शाम के, आप कहीं गए होंगे तो का है नाती राजा तो विधायक रहे, कराए हैं काम आपके पंचायत इसमें विधायक सभा में? नहीं कराए बिल्कुल, अभी तो खैर नहीं करा हमारी ज्यादा उम्र नहीं, वैसे मुलाकात नहीं हुई उनसे। मुलाकात नहीं, काम की बात कर रहे हैं, जैसे काम प्रत्याशी से मिलकर का करना, जैसे लग रहा हो कि विकास कराया हो? अभी तो हमारे को पता नहीं कराया नहीं कराया, हम तो बाहर रहते हैं दिल्ली में, बाहर रहते हैं। तो रोजगार की दर्द ये भी बहुत बड़ी समस्या है नाथूराम जी की, लोगों के पास यहाँ काम नहीं है, बाहर बहुत जाते हैं लगातार, दिल्ली देखा सब चले गए, बाहर चले गए हैं। और हमने तो यह कही थी भैया जो खम्मा गाड़ दे सो वोटा भे ले बिहार जा, जब पड़ता जब पड़ता हमसे अब ले ले वोट, काम ही नहीं कर को तो क्या करिए ये बताओ? सत्रह के देने हैं तब दंगा से कैसे दे दो? नहीं एक बात आप बताइए, हम तो अब ऐसे बुक हो जाए भी होगी, सत्रह तो बहुत दूरी है, वोट भी दो प्रचार भी करो। हम सब तो कुछ काम छोड़ के गली गली फिर भी मैं ऐसी पैदल कि भैया वोट उनके देने उनके देने। उम्र तो हो गई, वो पेंशन मिल रही? पेंशन का है तो कोधक नहीं मिला था, पेंशन एंशन का है कुछ नहीं मिला था, नहीं मिला था पेंशन नहीं मिला था। ये तो टेंशन में है ना भाई, पेंशन में नहीं है टेंशन में है, बात यार लड़का बेड़ो हुए टेंशन है और कुछ नहीं, पेंशन ना मिल के टेंशन है नाथूराम दादा को। और लोग बाग भीड़ काफी इकट्ठी हो गई है, तो कम से कम लोकस नगर के मुद्दे क्या हैं? मैं यहाँ राजनगर विधानसभा में था, जो दुकान यहाँ का मुद्दा मैन है जी, यहाँ का मुद्दा मैन है कि यहाँ लोकस नगर को जिला बनाया जाए। हाँ ये मैंने कुछ गांव से लगातार मांग कर रहे हैं, एक रिछारिया जितने भी जितने भी नेता यहाँ आए हैं सबसे यही मांग की जा रही है कि यहाँ सतरपुर की दूरी कितनी है? यहाँ से सतरपुर की दूरी 55 किलोमीटर होगी, 55 है। हाँ, सारे काम वहीं कराने जाने पड़ते, सारे काम वहीं कराने जाने पड़ते हैं, इसलिए परेशान है जनता। वो हमारी यही मांग रहेगी कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए, और ये अस्पताल नहीं बनी है, यहाँ का मरीज जात है और ज्यादा से ज्यादा टटम लो जात है, मर जात है, सुन लो आधे दूर तक पहुँचा, आधे दूर तक। और ये अस्पताल में है सो बुखार तक की दवा नहीं देती कोई, एक बजो घड़ी का टाइम देखते हैं, एक बजो रोज के बैठे वाले हैं, एक बजो सो चल देते हैं, चार साल को मरे चार जिए, अब एक समझ के चलो कि 20 कोस से आ रहा है यहाँ अस्पताल में, अस्पताल में 20 कोस से आ रहा अपना आदमी लेके। अब तुम सोचो अस्पताल में गो तो वो तो कुत्ता लोनी बैठी, यहाँ झाड़ू वाले बैठे हैं और नहीं यहाँ कुछ हो तो अब तक प्राइवेट अस्पताल है कहाँ इलाज? अरे प्राइवेट को कहता आला है, यो है अस्पताल है सरकारी। हाँ जब वो में कछु नहीं होते कहाँ इलाज कराओ लोग?
छतरपुर ले जाते हैं, टटम लोग ऐसे मार गए लौटा ले आऊ थे। क्यों नहीं करवा रहे? वही से तो हम कहा था कि हमें को के नहीं देने, जनता नहीं होने कछु कहा था, कुछ नहीं। यहाँ पर लेडीज डॉक्टर भी नहीं है, कोई महिला कोई डॉक्टर नहीं है। और जितने डॉक्टर यहाँ आते हैं सब अपना कंपाउंडर खोल लेते हैं, 200 रुपया फीस दो, 150 रुपया अलग घड़ी घड़ी का टाइम हुआ, वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, कहते 200 रुपया फीस लगना है। इतनी नेतन में हिम्मत नहीं रहा देगा कि डांट सके, और खुद नेता डरा थे कि ये सारे वोट ना दें, यू वो खुदा डरा। एक अधिकारी को वोट जरूरी है कि जनता को वोट? अरे जनता का ही भाड़ में जब जनता को कब ख्याल करते हैं कि जब वोट डरने लगते हैं तो उनको भैया अरे अपने घर के तो वहाँ अब भैया के घर जा तो कह दो पूजा कर रहे। दारू मुर्गा पे वोट नहीं देता आदमी? हाँ दारू मुर्गा में देते हैं। हाँ तो फिर कहाँ विकास कहाँ से हो जाए? तुम ले आए हो का? नहीं हम नहीं दा, हम तो नहीं ले आए हैं, लेकिन जब जनता कहने लगा दारू मुर्गा बिक जाते पहले तो नहीं था खर्च कर सकते, तो विकास कहाँ से करा? ये अध्यक्ष बने तो कायमा बने, दारू मुर्गा मतलब बनी है घर घर दारू बेची धर धर दही मुर्गा उनको जा। लेकिन हम कसम खाते हैं बब्बा जी के सामने बैठे, हमने ये चटका नहीं लिया कि भैया जब जीत जाओगे तो चाचू घूस कर दो। मान के चलो कि ये खड़े हैं, अब इन्हें मुर्गा खबाओ दारू खबाई, हार गए तो कहने पोरे यार वोट नहीं जाए कहाँ का हो गए, तो इसे हम पहले से कौ को निकाल दें। लेकिन बाद में बाद में चाहे तुम जी कुछ करो, हम पहले से नहीं लेते। हमारे यहाँ नाती राजा ने एक काम कराया है जो बम्बर बहनी के यहाँ, अच्छा। तीन सेट कराया है, और एक वहाँ शराब सागर के तालाब में काम कराया है, और बाकी अपने यहाँ से हार के जाती हैं इसलिए यहाँ का नहीं देखते हैं। वो जाके राजनगर खजुराहो को अच्छा चमकाया है उनने, बढ़िया वहाँ पर विकास किया है। तो हम लोग राजनगर विधानसभा में थे जो छतरपुर जिले में पड़ती है, तो कैसी लगी बातचीत? बहुत अच्छी बातचीत की लोगों जनता।